मामला था उनका। चेक 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 रोलिंग सर कैजुअल झूले बोला है सके तू ब्रैक एंड स्टोरेज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में यू नो अ जर्नी ऑफ अ लेडी स्टार्टेड यू नो नाउ एवरीथिंग इज सो पिंक करेक्ट व्हाट यू हैव टू से अबाउट उज्ज्वला अबाउट सोनाली मैम Both of them are amazing brand ambassadors. In my opinion, it's such a privilege to be associated with them in any manner whatsoever, whether it's ideating, whether it's just sitting with them and having a cup of coffee. It's a revelation because I've always believed that women are much stronger than men because of my wife, because she's stronger than I am. But to meet other women in their journey in their life and to be able to figure out ke kitna jhelte hain wo and to reach the manzil that they have requires enormous not only just courage but honesty you know because if you are dishonest then first you're dishonest with yourself then you're dishonest with other people and both these ladies are you know one thing that when you look into the eyes you feel that they are absolutely straightforward you won't find anybody straighter than them तो त्यांचा मोठेपण आहे प्रल्हाद कक्करचा मोठेपण आहे की ते इतकं कौतुक करतात आहे माझं डेफिनेटली खूप स्ट्रगल होतं खूप काम केलं आहे आणि बहुतेक म्हणूनच आज या 25 वर्ष कोणी बिल्डरचं नाव तसं फारसं ऐकायला येत नाही तर विथ व्हेरी फ्यू बिल्डर्स हियर हू हॅव कम्प्लिटेड दोज मेनी इयर्स सो आय एम व्हेरी प्राऊड अबाउट हर किसी का ख्वाब होता है जब मुंबई की बात करते हैं खास करके मुंबई की हाँ बाकी देश में इतनी तकलीफ नहीं है लेकिन इस शहर में इतनी ख्वाब है और वहाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट और आपने अभी स्टेज पे मैंने सुना आपने कहा कि एक अलग बॉन्ड शेयर करती हैं आप बिल्कुल इस कंपनी के साथ उज्ज्वला जी के साथ क्या कहते हैं मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहने में कि मैं हावरे लेगेसी की ब्रांड एम्बेसडर हूँ आज से और एक दोस्ती अगर किसी भी फॉर्मल एसोसिएशन में बदल जाती है तो उसके मायने काफ़ी अलग होते हैं आई विच आई हैड मेट उज्ज्वला जी इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई एग्जैक्टली नो वॉट शी इज़ टॉकिंग अबाउट शी इज़ टॉकिंग अबाउट अफोर्डेबल होम्स टू पीपल एंड इट इज़ यू नो पीपल्स लाइफ टाइम ड्रीम मैनी पीपल कैनॉट इवन रीच ड्रीमिंग ऑफ इट and she is offering such a wonderful dream to people who are who belong to a humble background and so do I have lived a very simple life I know value of money I know value of time and here we have someone who's going to assure us that we value your effort and hard work and we are going to let you dream about your own house listening to Ujwala's story was extremely inspiring A person who has worked so hard but never expresses that she has gone through so many hardships. I'm very happy to be here this evening and let us hope that a profession that may not sound like a social service but she is making it true for many people, she's making it believable for many people and I'm so looking forward to her new site which will be opening in a few months. It has already started. So let us see how many families are going to be blessed in that new project. And I have all my best wishes with her. उज्ज्वला मैम के साथ में आपका भी बहुत धूम मचा रही हैं आप प्लीज कंटिन्यू शर्मा उज्ज्वला मैम के साथ आपका जो कोलैबोरेशन है वो काफी लंबे समय से रहा है क्या ऐसी चीज है जो आप लोगों को कनेक्ट करते रहती है मुझे लगता है सच्चाई बहुत ही सिंपल सी बात है लेकिन उनकी जो पैशन है उनका जो डेडिकेशन है वो मुझे बहुत भाता है और सॉरी उनका जो पैशन है डेडिकेशन है वो मुझे बहुत भाता है
क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो सच्चे दिल से काम करते रहते हैं. उज्ज्वला इज़ द रेयरेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि एक जो रिश्ता शुरू हुआ था एज एन एक्टर एंड प्रोड्यूसर इज टुडे इट इज़ ट्रांसलेटिंग इन टू प्रॉबली टीम मेम्बर्स. क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो उनको कुछ और सिखाते हैं. वो कहते हैं कि सक्सेस का जो निशान है वो पैसा होता है, और मैं उनको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट सक्सेस का जो निशान है वैल्यू एडिंग होता है. Exactly. पैसा बाद में आता है. एंड आई थिंक उज्ज्वला जी इज अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ दैट, इज दैट पैसा बाद में आएगा, पहले वैल्यू क्रिएट करो. सो व्हेन शी ऑफर्स अ वैल्यू बिफोर द मनी, then that is why her journey for 25 years is going to be like rock solid. It's not shaky. The foundations are so strong because it's all about value creation. Sir Ali, Sir Ali, आपसे पूछना चाहूँगा something out of the box. मुझे पता नहीं ये सही मौका है बात पूछने का या नहीं, क्योंकि आप भी इस industry का हिस्सा हैं इतने सालों से. आर्यन खान को लेकर, शाहरुख को लेकर जिस तरह का हम आज हावरे लेगेसी के बारे में बात करेंगे, आपको जरूर बात करूंगी मुंबई डायरीज की जो मैं थैंक यू सो मच. गुड लक चाम के लिए मैंने कमिंग फ्रॉम यू माई मीडिया फ्रेंड्स, दैट मीन्स अ लॉट टू मी. एक छोटा सा अपीयरेंस था, गेस्ट अपीयरेंस था. निखिल अडवाणी मेरे दोस्त हैं और उन्होंने कहा था कि इट इज़ अ वेरी नाइस पावर पैक्ड सीन, लेकिन मुझे इम्पैक्ट चाहिए. तो उन्होंने वो ऑफर किया था मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव एंटर्ड द वेब वर्ल्ड एंड यू विल हैव अ लॉट मोर टू सी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स. 100% आई एम अ इमोशनल पर्सन माई सेल्फ एंड 26/11 वॉज द इंसिडेंस. एज वी ऑल नो दैट वॉज द टाइम वेन आई रियलाइज दैट आई हैव बिकम अ ट्रू मुंबईकर. आई बिलोंग टू पुणे बट आई हैव बीन इन मुंबई फॉर अबाउट मोर देन 2 decades. बट दैट इंसिडेंस मेड मी फील दैट आई फील फॉर माई पीपल इन मुंबई एंड आई वॉज कम्प्लीटली शेकन एंड टिल डेट I don't want to revisit the memory. I don't want to visit the places. And if I have to, if I do, it leaves me with goosebumps and a lump in my throat. So working on 26/11 was something else. Sonali ma'am, काफी लंबे समय के बाद ये आपका project रहा है. आपके fans काफी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे. बड़े पर्दे पर ना सही, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया आपको मुंबई डायरीज में. पर अब बड़े पर्दे पर कब वापसी होने वाली है? मुझे लग मुझे लगता है ड्यू टू लॉकडाउन एंड पैंडेमिक वी हैव टू कंसिडर द वेब ऑल्सो एज अ बिग पर्दा एंड वी विल हैव टू कंसिडर इट एज द यू नो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वेयर वी आर गेटिंग एंटरटेन्ड. सो डेफिनेटली यू विल हैव नो कंप्लेंट्स इन प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट इट. बट आई से वन थिंग दैट यू मीडिया पीपल हैव गॉट एवरीथिंग आस्वाइज एंड व्हाई आई से आस्वाइज इज बिकॉज व्हाट इज शाहरुख गॉट टू डू विद इट. हिज सन इज एन अडल्ट. ओके सो यूज हिज सन. डोंट ब्रिंग शाहरुख इनटू द पिक्चर जस्ट बिकॉज यू वांट पब्लिसिटी. Thank you.